इधर ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत जो है वो दिल्ली की एक बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक महिला को गोली मार दी गई है। महिला को पेट में गोली मारी गई है। जिस वक्त महिला को गोली मारी गई अपने वकील के साथ थी, तभी वकील की पोशाक में एक हमलावर ने गोली चला दी। पुलिस की माने तो 4 राउंड गोली चलाई। जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की पहचान हो गई है, हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जो वकील के वेश में यहां पर कोर्ट परिसर में पहुंचा था और दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में ये गोली चलाई गई। हिमांशु मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, वकील की ड्रेस में कहा जा रहा है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने महिला पर हमला कर दिया। क्या था ये मामला और फिलहाल महिला की स्थिति क्या है? हिमांशु, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, सवाल यही, क्या था ये मामला और फिलहाल महिला की स्थिति क्या है? देखिए, महिला को कुल 3 गोलियां लगी है। 2 गोलियां उसके पेट में लगी हुई है और 1 गोली उसके हाथ में लगी है। महिला की हालत स्थिर है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। पास का जो हॉस्पिटल है मैक्स हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से बेहद करीब है वो इस जगह से, तो इसलिए उसे तुरंत वहां ले जाकर एडमिट कराया गया। और आप दिखाता हूँ, आप देखिए इस कोर्ट परिसर की आप सिक्योरिटी देखिए। हालांकि सुबह 10:30 बजे के वारदात में गोल गेट भी खुला हुआ था और कहीं से इन्हीं में से किसी गेट से आरोपी जो है वो पिस्टल के साथ कोर्ट परिसर में दाखिल होता। आप देखिए जो गेट मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से गेट पे भी सुरक्षा होती है। आप एक मेडिकल जो या मेटल डिटेक्टर देख रहे हैं, जब इसको पार करते हैं तो उसके बाद 2 सुरक्षाकर्मी और मौजूद हैं जिनके हाथ में भी जो मैनुअली उनके पास मेटल डिटेक्टर है जिसके जरिए वो चेक कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है। बकायदा अच्छे से जांच की जाती है और अगर बैग है तो बैग लेकर कोई अंदर जाता है। और वकीलों का कहना है कि वो लोग खुद जहां पर सिक्योरिटी में वो पूरी मदद करते हैं। पुलिस का कहना है कि जो अब तक की इंक्वायरी निकल आई है कि एक पुराना केस है, वो 20 का चीटिंग का पुराना केस है जिसको लेकर के विवाद चल रहा था और उसी में आरोपी ने आज इस वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद जब आरोपी ने गोलियां चलाई, 3 गोली विक्टिम को लगी और उसके बाद वो फिर उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने एकदम से हाथ में पिस्टल चुकी लिया हुआ था। लोग पीछे हटे और वो बड़ी तेजी से दूसरी तरफ जो लार्ज चैम्बर है जहां पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया उसे वो आगे की तरफ भाग जाता और उसे पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन कोई भी एंट्री प्वाइंट हो, जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, सभी जगहों पर इस कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो पुलिस ने इन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सीज कर लिया है, उनकी जांच की जा रही है और लगातार जो और भी लोग इस पूरे केस से, चूंकि जो पुराना केस है उस केस को भी मद्देनजर ध्यान में उसको रखते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस केस से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। कुछ ही देर पहले यहां पर डीसीपी और इलाके की ज्वाइंट सीपी पहुंची थी और उन्होंने मौके आए वारदात पर पहुंच करके किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया इसको समझने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आप देखिए दिल्ली की जो कोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं। खासतौर से आप देखिए जब रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी की सितंबर 2021 में हत्या की गई थी तो उसके बाद कई सारे सवाल उठे थे। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद एक छोटा ब्लास्ट भी होता है कोर्ट के अंदर, जो एक पर्सनल शख्स ने अपनी पर्सनल एनिमिटी में, लेकिन वो कोर्ट के अंदर इस तरीके के जो चीजें हैं वो ले जाने में सफल हुआ था। तो आज यहां पर जब हमने कई वकीलों से बात की तो उनका ये कहना था कि उनकी कोशिश होती है कि उनके सभी लोग, कोई भी अगर वकील है तो वो कोर्ट में जब एंट्री करता है तो सिक्योरिटी को पूरा कोऑपरेट करे और इसकी बात अगर इस तरीके की वारदात होती है तो ये निश्चित रूप से घबराने की बात है, डरने की बात है, क्योंकि कोर्ट परिसर में जो सिर्फ यहीं पे नहीं जितने भी एंट्री प्वाइंट है वो इसी तरीके से वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम है। जी बिल्कुल।